नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम एक बार फिर से। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे एक गेमिंग कंसोल। तो ये है दोस्तों गेमिंग कंसोल, ऐसा कुछ इसका डिज़ाइन है, और इसके साथ आपको ये रिमोट भी मिलेगा। और ये हमने परचेज़ किया अमेज़ॉन से, बट आपको फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन दोनों ही जगह पर मिल जाएगा। तो बॉक्स में कंटेंट देखें तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी: कंसोल, ऑडियो वीडियो केबल, चार्जिंग केबल, यूज़र मैनुअल और एक कॉम्पैक्ट हैंडल यानी कि रिमोट। यहाँ कुछ नहीं है, और इसमें आप ऐसी गेमें खेल सकते हैं, पुरानी गेम जैसे मारियो, सुपर कॉन्ट्रा, डबल ड्रैगन, निंजा गार्डन और भी काफ़ी सारी गेम्स। इसमें 400 गेम्स आपको इनबिल्ट मिलती है। तो बैक साइड देखें तो इसमें आपको 3 इंचेस की LCD कलर डिस्प्ले मिलती है, और ये एक पोर्टेबल गेमिंग डिवाइस है, और इसे आप TV से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और चार्जिंग के लिए अगर आप इसे फुल चार्ज करें तो आपको 6 आवर्स तक का बैटरी बैकअप मिलेगा। और ये काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है: रेड, ब्लैक, ब्लू, येलो, वाइट। और देख सकते हैं आप यहाँ पे दिखा रखा है क्या क्या बटन्स और फीचर्स हैं इसमें और कंट्रोलर में। तो चलिए बॉक्स में से बाहर निकाल लेते हैं अपनी गेमिंग कंसोल। तो बॉक्स को रख देते हैं साइड में। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी बॉक्स में, तो ये निकाल लेते हैं। तो पहले सबसे पहले हम देखते हैं इस कंट्रोलर को, तो गेम को थोड़ा साइड में रख देते हैं। तो आपको मिलेगा दोस्तों ये एक कंट्रोलर। तो ये कंट्रोलर आप यूज़ कर सकते हैं जब आपने डबल खेलनी है, मतलब अगर आपने 2 प्लेयर्स ने खेलनी है तो आप इस रिमोट कंट्रोल का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसका डिज़ाइन देखें तो पूरा एकदम रिट्रो लुक है, जो पुराने क्लासिक गेम्स होते थे निंटेंडो के, वैसा इसका बिल्कुल डिज़ाइन है। और ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी मैं कहूँगा तो काफ़ी ठीक है, जितना हमने प्राइस पे किया है उसके हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और आगे से देखें तो इसमें माइक्रो USB पोर्ट दे रखा है, ठीक है। तो इसको अभी हम रख देते हैं साइड में। तो बाकी चीज़ें देखें तो आपको एक ऑडियो वीडियो केबल मिलेगी, और एक ये यूज़र मैनुअल मिलेगी, ये इंग्लिश में है। अगर कोई प्रॉब्लम आई तो आप इसे पढ़ सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कैसे इसको ट्रबल शूट करना है। और आपको मिलेगी ये बैटरी, तो ये है दोस्तों BL5C बैटरी, जो कि नोकिया के मोबाइल फ़ोन्स में लगती थी, और ये 1000 mAh की बैटरी है। और आपको मिलेगी ये माइक्रो USB केबल चार्जिंग के लिए। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना गेमिंग कंसोल। तो ये है दोस्तों हमारा गेमिंग कंसोल, ये ब्लैक कलर में है, बट आपको रेड कलर में, ब्लू में, वाइट में और येलो कलर में भी मिल जाएगा। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ठीक लग रही है मुझे, जो प्राइस हमने पे किया उसके हिसाब से। तो फिज़िकल ओवर भी देखें तो ऊपर आपको 3.5 mm का हेडफोन जैक, माइक्रो USB पोर्ट और एक ऑन ऑफ स्विच मिलता है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपने ये केबल लगानी है, जो ये ऑडियो वीडियो केबल मिली है, अगर आप इस पोर्ट में लगाएंगे तो आप इसे TV से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये गेम आप TV पे भी खेल सकते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे आपने लगानी है। इस साइड देखें तो यहाँ कुछ नहीं है, नीचे भी यहाँ पे कुछ नहीं है। एंड इस साइड देखें तो आपको ये वॉल्यूम कंट्रोल के लिए एक स्विच मिलता है, तो यहाँ से आप इसकी वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। एंड सामने से आपको 3 इंचेस की LCD कलर डिस्प्ले मिलती है, और सामने बटन्स वगैरह दे रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्पीकर दे रखा है फ्रंट फेसिंग, ठीक है, तो SUP लिखा हुआ है। तो चलिए बैटरी इंसर्ट करते हैं इसमें। तो इसमें आपको दोस्तों नॉन रिमूवेबल बैटरी नहीं है, इसमें बैटरी आप रिमूव कर सकते हैं, जिस वजह से ये बहुत अच्छी बात है कि अगर बैटरी ख़राब भी हो जाए तो आप इजीली ये बैटरी मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं, और इसमें बैटरी चेंज भी कर सकते हैं, और ये बैटरी बहुत ईजिली मिल जाती है। तो चलिए देखिए गेम हमारी ऑन हो गई है, और यहाँ पे देखिए चाइनीज़ एंड इंग्लिश के लिए लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो अभी हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए लिस्ट आ गई है गेम्स की, तो 401 यानी कि 400 गेम्स इसमें आपको इनबिल्ट मिलती है। और ये स्टिकर निकाल देते हैं, थोड़ा क्लियरली दिखेगा, तो देखिए अब ज़्यादा साफ दिख रहा है। तो देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं, आप काफ़ी सारी गेम्स है इसमें, सुपर मारियो, कॉन्ट्रा, डबल ड्रैगन, बहुत सारी गेम्स है इसमें, 400 गेम्स मिलती है। तो हो सकता है पुराने जब गेम्स आपने कभी खेली हो 90s में, तो ऐसी ही गेम्स होती थी। तो देखिए मारियो अभी हम खेल रहे हैं, सुपर मारियो, और पुरानी यादें ताज़ा हो गई है, मतलब छोटा था मैं तो ये गेम्स बहुत खेला करता था मैं, कॉन्ट्रा, डबल ड्रैगन, निंजा गार्डन, काफ़ी सारी गेम्स होती थी, स्ट्रीट फाइटर वगैरह। तो इसमें आपको काफ़ी सारी गेम्स इनबिल्ट मिल जाएंगी, पर ओवरऑल सारी गेम्स तो नहीं कह सकता, बट मेन काफ़ी सारी गेम्स है इसमें, बट कुछ गेम्स मिसिंग हैं, मैंने चेक किया था, जैसे ये अभी कॉन्ट्रा हम खेल रहे हैं, तो इसमें कुछ गेम्स मिसिंग हैं, बट काफ़ी सारी ऑलमोस्ट गेम में आपको अच्छी अच्छी मिल जाएंगी। अगर कुछ गेम में मिसिंग है तो आप उसे इसमें डाल नहीं सकते, ये इनबिल्ट जो गेम्स है वही रहेगी, आप गेम्स चेंज नहीं कर पाएंगे इसमें। तो जैसे अभी हमने प्ले करी है ये आइलैंड एडवेंचर, तो ये देखिए, तो डिस्प्ले ओवरऑल ठीक है, बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी ठीक ठाक लग रही है, और ओवरऑल गेम प्ले की बात करूँ तो गेम काफ़ी फास्ट चल रही है इसमें,
जैसे गेम चलती थी टीवी में जब हम खेलते थे, तो उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही फास्ट गेम चल रही है इसमें। और साउंड वगैरह भी आप सुन सकते हैं, साउंड भी इसका ओवरऑल ठीक ठाक है। तो इसमें चाइनीज़ और इंग्लिश दो लैंग्वेजेस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमने प्ले करी है निंजा गार्डन 2, ये भी बहुत अच्छी गेम है। तो दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं अपना ओपिनियन, तो जैसे आजकल के बच्चे स्मार्टफोन मांगते हैं गेम्स वगैरह खेलने के लिए, तो उनको आप ये गेमिंग कंसोल गिफ्ट कर सकते हैं या दे सकते हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में कई बार ऐसा कंटेंट होता है जो बच्चों को नहीं देखना चाहिए। तो अभी हमने जैसे प्ले करी है डबल ड्रैगन, तो मैं कह रहा था जैसे मोबाइल फ़ोन में कई बार ऐसा कंटेंट होता है, कोई वीडियो होती है या फिर कोई इमेज होती है या कोई भी ऐसा कंटेंट जो बच्चों को नहीं देखना चाहिए, उसमें इंटरनेट भी होता है, तो बच्चों पे थोड़ा उसका बुरा असर पड़ता है। तो अगर आप चाहें तो ये चीज़ बच्चों को दे सकते हैं गेम्स वगैरह खेलने के लिए, और मोबाइल फ़ोन से आप बच्चों को दूर कर सकते हैं कि मतलब मोबाइल फ़ोन ना देना पड़े, और आप ये गेमिंग कंसोल दे सकते हैं बच्चों को गिफ्ट दे सकते हैं या वैसे भी, और फिर आपको मोबाइल फ़ोन नहीं देना पड़ेगा उनको, और मोबाइल फ़ोन से बच्चे दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज़ बच्चे आजकल बिगड़ जाते हैं मोबाइल फ़ोन यूज़ करके। तो दोस्तों अभी हमने इसमें कंट्रोलर ये लगाया, तो जो मिला था देखिए सेकंड प्लेयर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको कनेक्ट करके आप डबल खेल सकते हैं, ठीक है। तो एक तो आपको गेमिंग कंसोल से ही खेलना पड़ेगा फर्स्ट प्लेयर, ठीक है, फर्स्ट प्लेयर गेमिंग कंसोल से ही आप कंट्रोल करेंगे, एंड सेकंड प्लेयर के लिए आप इस रिमोट कंट्रोल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अभी तो चलिए मैं, दो मेरे हाथ हैं तो मैं इस रिमोट से ही खेलूँगा, फर्स्ट प्लेयर तो मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा, बट आप देख सकते हैं ये रिमोट काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो दूसरी साइड से तो बंदा मेरा मार खा रहा है, बिकॉज वो वाला तो कंट्रोलर कोई प्लेयर वन कोई खेल नहीं रहा, बट सेकंड प्लेयर पे मैं रिमोट से खेल रहा हूँ, तो देखिए रिमोट बहुत अच्छा चल रहा है। तो आप इसमें डबल भी खेल सकते हैं, दो प्लेयर्स भी खेल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें दोस्तों अकेला कंसोल वाला वेरियंट भी आता है, उसमें आपको रिमोट नहीं मिलेगा, और उसका प्राइस थोड़ा सा हो सकता है कि कम हो, और इसका प्राइस भी मतलब सेलर के अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। ये आपको 600 से 700-800 तक के बीच में मिल जाएगी। तो चलिए अभी इसको हम टीवी से कनेक्ट करते हैं। तो ये देखिए अभी टीवी से कनेक्ट कर दिया मैंने, ऑडियो वीडियो केबल के थ्रू आप इसे टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैसे ही हमने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, देखिए इंग्लिश कर लेते हैं इसको। तो सेम वैसे ही लिस्ट जैसे अभी कंसोल में आ रही है, वैसे ही टीवी में भी आपको मिल जाएगी, और दोनों तरफ डिस्प्ले होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि टीवी में अगर डिस्प्ले आ गया तो कंसोल से चला जाएगा या कंसोल में ब्लैंक स्क्रीन हो जाएगी, ऐसा नहीं है, दोनों तरफ डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, टीवी में भी डिस्प्ले आएगा एंड गेम में भी डिस्प्ले आएगा। तो जैसे अभी हमने ये गेम चलाई है, कार रेस गेम है ये, रोड फाइटर, छोटे होते काफ़ी गेम खेली है मैंने ये, अगर ये आप बिना टक्कर मारे इसको क्रॉस कर लेंगे तो सुपरमैन निकलता था साइड में से, और काफ़ी टाइम से मैंने खेली नहीं है, और देख सकते हैं अब काफ़ी अच्छी चल रही है। तो टीवी में भी आप इस गेम को प्ले कर सकते हैं, एंड पोर्टेबल कंसोल तो ये है भी, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, मतलब 600-500 से लेकर आपको 700-800 तक के बीच में ये मिल जाएगा अमेज़ॉन पे भी और फ्लिपकार्ट पे भी। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी वैसे दे दिया है। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने मारियो प्ले करी है, और ये देखिए काफ़ी अच्छी चल रही है। तो आपकी मर्ज़ी, अगर आपको पसंद आए तो आप ये दोस्तों परचेज कर सकते हैं कंसोल अपने बच्चों के लिए, और मोबाइल फ़ोन से अपने बच्चों को दूर रख सकते हैं। ये गिफ्ट दे दीजिए तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे और मोबाइल फ़ोन से भी दूर रहेंगे। तो चलिए चार्जिंग के लिए दिखाता हूँ आपको, जब आप इसमें यहाँ पे माइक्रो यूएसबी केबल कनेक्ट करेंगे तो आप इसे चार्ज कर सकते हैं मोबाइल के चार्जर से भी और पावर बैंक से भी। और यहाँ अगर आपको दिखाऊँ तो देखिए इसको निकालते हैं तो ब्लू कलर की LED आ रही है छोटी सी, ठीक है, बट जब आप इसे चार्जिंग से कनेक्ट करेंगे तो जैसे कनेक्ट कर दूँ तो यहाँ पे रेड कलर का LED इंडिकेशन आएगा, ठीक है। तो जब ये चार्ज होगी तो आपको रेड कलर का LED इंडिकेशन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों काफ़ी पसंद आई मुझे ये गेमिंग कंसोल, इसमें क्लासिक गेम्स दे रखी है, मारियो कॉन्ट्रा वगैरह काफ़ी सारी, तो अच्छी चीज़ है काफ़ी। अगर आप अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन से दूर करना चाहते हैं तो आप इस गेम को परचेज करके अपने बच्चों को गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं, ताकि वो मोबाइल फ़ोन बार बार ना मांगे। तो ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी ठीक है, मतलब जितना हमने प्राइस पे किया है उसके हिसाब से इसकी क्वालिटी ठीक है, और मेरे को तो काफ़ी पसंद आई ये चीज़। और आजकल अगर आपके बच्चे मोबाइल फ़ोन में गेम खेलते रहते हैं तो आप ये दे दीजिए, ताकि इंटरनेट वगैरह से दूर रहें, वीडियोज़ वगैरह से दूर रहें, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।